सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब शेयर किया जा रहा है। इसके साथ दावा किया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में रोशनी एक्ट के तहत बसाई गई रोहिंग्या की बस्तियां उखाड़ी जा रही हैं। इसी दावे के साथ शेयर किए गए इस वीडियो को 10,000 से ज्यादा बार देखा जा चुका है। दावे में रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के घर उजाड़े जाने की बात कही जा रही है। ये वीडियो कई हैंडल्स ने इसी दावे के साथ ट्वीट किया है। जब हमने इसकी पड़ताल करनी शुरू की तो हमें मालूम चला कि रोहिंग्या का कोई एंगल इसमें शामिल ही नहीं है। इस वीडियो को ध्यान से देखने पर जम्मू लिंक्स न्यूज का एक लोगो दिखाई दे रहा है। हमने इस YouTube चैनल पर यह वीडियो ढूंढा तो इसके डिस्क्रिप्शन से सब कुछ साफ हुआ। मालूम पड़ा कि यह वीडियो चैनल ने YouTube पर 5 जून 2021 को अपलोड किया था। साथ में यह जानकारी दी थी कि झील और जलमार्ग विकास प्राधिकरण ने लश्करी मोहल्ला, दोजी मोहल्ला, बुरझामा के क्षेत्र में प्रवर्तन अधिकारी की देखरेख में अतिक्रमण हटाने के मकसद से यह कार्रवाई की थी और वहां पिछले एक हफ्ते में कई अवैध निर्माण हटाए गए थे। ये वीडियो जम्मू कश्मीर के स्थानीय न्यूज चैनल जेके अपडेट ने भी यूट्यूब पर 5 जून को इसी जानकारी के साथ शेयर किया था। इसके अलावा पंजाब केसरी और ईटीवी भारत ने भी इस वीडियो पर रिपोर्ट करते हुए यही बातें लिखी थी। इंडिया टुडे की एक 28 मई की रिपोर्ट के अनुसार कोरोना काल के दौरान लॉकडाउन का फायदा उठाकर कुछ लोग अतिक्रमण कर रहे थे। डल झील के आसपास बहुत अवैध निर्माण हुआ जिसे गिराया जा रहा था। इस इलाके में 170 अवैध कंस्ट्रक्शन गिराए गए थे और सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए। ये सारा काम लेक्स एंड वाटरवेज डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंडर चल रहा था। हमने LAWDA के वाइस चेयरमैन बशीर अहमद भट्ट से संपर्क किया। उन्होंने बताया कि आए दिन उन्हें अवैध निर्माण तोड़ने पड़ते हैं जो वहां के स्थानीय लोगों के होते हैं। बशीर अहमद भट्ट ने यह भी बताया कि यह सारी कार्रवाई कोर्ट के आदेश के बाद होती है और उनकी जानकारी में रोहिंग्या या बांग्लादेशियों की बस्तियां तोड़ने जैसी कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।